मेले की गरिमा बनाए रखने का पूरा आश्वासन दिया। इसी प्रकार ये मेला लगता रहे और दंगल होते रहे, ये स्थल सुरक्षित रहे। प्रसाद से हमारा यही अनुरोध है कि प्रदर्शनी स्थल सुरक्षित रहे, जिसे शहर की, ग्रामीण की, जिले की सभी जनता चाहती है। सभी खिताबों के विजेता उपविजेता थर्ड यहाँ आ जाएंगे, अखाड़े के नज़दीक उनको इनाम दी जाएगी। क्लब साहब और एडिशनल साहब देंगे, उनके सभी के विजेताओं को बुर्ज गोल्ड मेडल पट्टा, सेकंड को सिल्वर मेडल, इनाम नगद राशि जो है वहाँ जाके जो बैठे इनके अकाउंट सत्तर और कैशियर साइन करके नहीं वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। पर्चे के अनुसार सबको नगद राशि के लिफाफे तैयार हैं, पर साइन करने पड़ेंगे सब विजेता पहलवान। छह मिनट का समय है, तीन तीन मिनट के दो राउंड। तीन दिवसीय इस दंगल में 200 पहलवानों ने भाग लिया है, 180 पहलवान है वजन व किताबों में, और 20 पहलवानों की स्पेशल कुश्तियां भी कराई गई। दीपक नूरपुर का अपने जिले का अच्छा पहलवान है, अपनी प्रदर्शन दिया है इसने जिला केसरी में, कुछ काल को बनाया है जिला केसरी, वो भी अपने जिले का फुलवारी गांव का है, ये असेला का है नूरपुर असेला, दोनों पहलवान अच्छी जिले में उभरती हुई प्रतिभा है। आशीष पहलवान पहले भी यहाँ आ चुके हैं, दिल्ली छत्रसाल, दिल्ली के सभी अखाड़ों को हम इन्वाइट करते हैं दंगल में। ये करप साहब की मेहरबानी है, जो पिछले चार छः महीने से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था कि प्रदर्शनी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, और जिला कलेक्टर साहब ने अपना निर्णय देते हुए पशुपालन विभाग को अनुमति दी और मेला आज बहुत ही अच्छे स्तर का लग रहा है, और सारे कार्यक्रम जो पूर्व में होते थे उसी प्रकार हो रहे हैं। पहले राउंड के 30 सेकंड शेष हैं, 4 जीरो का स्कोर है, 0-4। ये पांचों गुर्ज जो देनी है पट्टे, इनको लेकर यहीं आ जाएंगे, अखाड़े भी देंगे इनाम बजाय मां मंच के अखाड़े। पांचों गुर्ज मेडल जो भी है पुरस्कार राशि वहां दे देना आप, बाद में इनको साइन करा लेना, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा इनका।
चारों खिताब विजेता विजेता धड़ मैट के नजदीक आ जाए, मैं नाम बोलूंगा, ऊपर बुलाऊंगा आपको, केसरी के फंसेंगे नहीं रहेंगे, पुष्पाल पुटवार बन जाएंगे। पांचों खिताब विजेता विजेता धड़ सबके इनाम लेके कमेटी के जो मेंबर हैं वो लेकर आ जाएंगे मैट में। ये हमारा जो स्टाफ लग रहा है मेरा कुछ अखाड़े पे केवल उन पहलवानों के अलावा